So class 5th, today we are going to do our next chapter, which is chapter number 7, Glory of Trees. यानी हमारे हिस्ट्री में, हमारे लाइफ में, what is the matter of trees? How a tree matters in our life? क्या उनकी महत्वता है? कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे पेड़ होते हैं जो जिनको हमारी मदद वगैरह पूछने के लिए जाती हैं, कई हिस्टोरिकल्स और कई हॉली मैटर्स रखते हैं, कई ट्रीज ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड पूजा होती है, ठीक है। इस चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि एक भावना, अ डॉटर आस्क टू हर मदर, कि वो बर्ड पूजा क्यों करती हैं, ठीक है। तो जब उनकी मदर ने उनको एक्सप्लेन किया कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, यानी आजकल क्या हो रहा है कि घर बनाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जगह कम हो रही है रहने के लिए, तो उस जगह को काट बनाने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। और पेड़ों को काटने की वजह से बर्ड्स और एनिमल्स के लिए हैबिटेशन और फूड की प्रॉब्लम हो रही है। बट हमारी हिस्ट्री में एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दे दी थी। That lady was Amrita Devi. She died to protest against a king. So, he lost her life. ठीक है? उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि जब जोधपुर के राजा को अपने महल बनाने के लिए, अपना पैलेस बनाने के लिए क्या चाहिए थे? खेजड़ी के ट्रीज चाहिए थे। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि विश्नोई कम्युनिटी, यानी जो खेजड़ली गांव है वहां पर कौन रहता है, विश्नोई कम्युनिटी रहती थी, यानी विश्नोई समाज के लोग रहते थे, उस गांव में जाकर खेजड़ली के पेड़ों को काटने का क्या दिया था, उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन वहां के लोग ट्रीज से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, तो वहां की लेडीज जैसे अमृता देवी ने ट्रीज को क्या कर लिया, होल्ड करके रख लिया, यानी हक करके रख लिया। और उन्होंने उन सोल्जर्स को ये वार्निंग दी कि इन पेड़ों को काटने से पहले उन्हें मारना होगा। सो राजा के आदेश के अकॉर्डिंग सोल्जर्स ने क्या किया, पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी क्या कर दिया, मार दिया। तो इस तरीके से टोटल 363 लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, अपनी लाइफ का बलिदान दिया जस्ट टू सेव खेजड़ी ट्रीज। इस इंसिडेंट के बाद राजा ने उन पेड़ों को काटने से मना कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पीपल गॉट इंस्पायर्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड लॉन्च चिपको आंदोलन, ठीक है। इसके लोग इतने ज़्यादा इफेक्टेड हुए, इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने इसके बाद एक आंदोलन की तरह ही एक मूवमेंट चलाई, जिसको क्या कहा, चिपको आंदोलन नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि ट्रीज हमें बहुत कुछ देते हैं, लाइक एज फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रेन, अनाज, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन। चिपको आंदोलन के थ्रू क्या किया जाता है, चिपको आंदोलन के अकॉर्डिंग मीन्स जिन पेड़ों की धीरे धीरे जो खत्म हो रहे हैं, उन पेड़ों को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी उन पेड़ों को सेव किया जाता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन, ये क्या है, द एशियन ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का क्या है, एशियन ट्रेडिशन है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे फॉग डाइटी थी, ठीक है, फेयर ऑफ फॉग डाइटी था, जब भावना ने उसको विजिट किया, वहां पर पैस्टुलेंट्स ऑन ओरान, कुछ ऐसे पेड़ उन्होंने वहां पर देखे थे, ठीक है। लेकिन कई पेड़ ऐसे होते हैं जो आजकल खत्म होने की कगार पर होते हैं, लेकिन उनको सेव करने के लिए उनको क्या किया जाता है, और उनको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लोगों तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है कि ये पेड़ हमारी लाइफ के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब बच्चों ने, मैं संजय और भावना ने जब अपने टीचर से पूछा दैट सर टेल अस अबाउट पास्टुरलैंड एंड ओरान, तो देन द टीचर सेड
Our state has age-old tradition of conserving the forest. क्योंकि जो खेजड़ली गांव था वो भी कहाँ था, राजस्थान में. तो हमारी स्टेट का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है फॉरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है. और पास्टुलैंड और ओरान, ये दो सेंट थे, जो संत थे, बहुत बड़े आदमी थे, जिनके नाम पर उन पेड़ों का क्या किया गया, नाम रखा गया. तो आजकल लोग क्या करते हैं, मीन्स जो पुराने हमारे संत महात्मा थे या जो हमारे बहुत ही ग्रेट पीपल थे, उनके नाम पर पेड़ों का नाम रखा जाता है ताकि लोग उनको और ज़्यादा सेव करें, ठीक है. इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पेड़ों को बचाने के लिए कुछ नए लॉज बनाए, मीन्स कुछ नियम बनाए ताकि लोग पेड़ों को क्या करें, सेव करें, ठीक है. और राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग अपने से ज़्यादा पेड़ों को महत्व देते हैं, ठीक है. लॉज ने, जब गवर्नमेंट ने लॉज बनाए, ओरान, गोचर एंड पास्टुलैंड हैव बीन प्रोटेक्टेड. उसके बाद जो ये पेड़ थे क्या किए, उनको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, परंपरा के नाम पर भी और नियम के नाम पर भी. दिस इज द स्टेट ऑफ, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ राजस्थान स्टेट. यू हैव टू लर्न अबाउट दिस, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड सर्च आउट वेयर इज द बीकानेर, वेयर इज द नागौर, वेयर इज द अजमेर. सो दीज आर द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान. एंड इसके अलावा आपको घर पे एक अपना मार्क मैप लेना है और उस मैप में इन सबको क्या करना है, फिल करना है. एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट एंड यू हैव टू नो अबाउट दैट वेयर इज द विच डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज लोकेटेड. पेड़ों को बचाने के लिए कुछ पार्क्स और सेंचुरीज भी बनाई गई हैं. देर इज अ रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर. केलाइडियो नेशनल पार्क विच इज आल्सो नोन एज घना बर्ड सेंचुरी विच इज लोकेटेड इन भरतपुर. डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर बाड़मेर. सरिस्का नेशनल पार्क इन अलवर. नेक्स्ट क्या है, फूड चैन. फूड चैन मतलब हर एक एनिमल और हर एक पर्सन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो जिनमें क्या है, सांस लेने की यानी रेस्पिरेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म. और सब एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है. देखो जैसे प्लांट्स पर कौन डिपेंड है, रैबिट, हम भी डिपेंड हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एज ए फूड प्लांट्स को यूज़ करते हैं. फॉक्स किस पर डिपेंड है, रैबिट पर. लॉयन किस पर डिपेंड है, फॉक्स पर, ठीक है. जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरियस. जो मीट खाते हैं, दैट इज अ कार्निवोरियस, ठीक है. इस टेबल में यू हैव टू डू इट एट लाइक एज योर होमवर्क. तो इस टेबल में आपको ये भरना है कि प्लांट को कौन कंज्यूम करता है, यानी प्लांट को कौन खाता है. डियर को कौन कंज्यूम करता है, कैट को कौन कंज्यूम करता है, डॉग को और रैट को, ठीक है. और नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, कौन किसको खा रहा है, यानी कौन किस पर डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे ग्रास पर, ग्रासकोपर डिपेंड करता है. ग्रास इज ईटन बाय ग्रासकोपर. ग्रासकोपर इज ईटन बाय फ्रॉग. फ्रॉग इज ईटन बाय स्नेक. एंड स्नेक इज ईटन बाय हॉक. एंड हॉक इज ईटन लाइक एज, जब इसके डेथ हो जाते हैं, दैट इज कम्पोज एज फंगस, मीन्स डीकम्पोज हो जाता है. सो क्लास फिफ्थ, दिस वॉज योर चैप्टर नंबर, ठीक है, 7. एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू आर क्वेश्चन एंड आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फूड चैन, गिव एन एग्जाम्पल. आपको रिलेशन बताना है कि फूड चैन क्या होती है. फूड चैन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, मीन्स द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चैन. और बाकी आपको जो हमने डायग्राम देखा था उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेंचुरीज और पार्क बताने हैं. व्हाट इज द सेंचुरीज एंड व्हाट इज द पार्क. सेंचुरीज और पार्क क्या होते हैं, जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स को एक उनका हैबिटेट, यानी उनकी जगह प्रोवाइड करवाई जाती है रहने के लिए, उनको सेव करने के लिए. चिपको आंदोलन के बारे में लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको
ट्रीज की एडवांटेज बतानी है कि ट्रीज हमारी लाइफ में कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है ट्रीज की हमारी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच फूड इज ईट डज इट ईट, रैबिट क्या खाता है, रैबिट ईट कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेस्ट ट्रीज, बिश्नोई कम्युनिटी ने ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया था, तो अमृता देवी वाली स्टोरी इस जगह पर आएगी। ठीक है, डेजर्ट पार्क इज सिचुएटेड इन, डेजर्ट पार्क कहाँ है, डेजर्ट पार्क इज लोकेटेड इन जैसलमेर। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 3 बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन राजस्थान, ये आंसर भी इसका कहाँ प्रोवाइडेड है, आपकी बुक में प्रोवाइडेड है एंड आई विल प्रोवाइडेड इट टू यू ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फूड चेन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फूड चेन लाइक ये वाली पिक्चर। ठीक है, डायग्राम नहीं भी बन पाए तो यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स। सो क्लास 5, दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 7 एंड इन द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डू आर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।